उत्तर प्रदेश की दो सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। बुधवार को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी में बताया गया कि रामपुर की स्वार टांडा विधानसभा सीट और मिर्जापुर की 96 सीट पर मई को वोट डाले जाएंगे। वहीं 13 मई को परिणाम घोषित होगा। रामपुर की स्वार सीट पर सपा के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे की सदस्यता जाने के बाद और मिर्जापुर की 96 सीट पर अपना दल के विधायक राहुल कौल के निधन के बाद खाली हो गई थी। लेकिन इस चुनाव में अगर लोगों की सबसे ज्यादा नजर रहेगी तो रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के रण पर रहेगी, क्योंकि ये सीट खाली हुई है आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी के खत्म होने के बाद। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की है। 10 मई को रामपुर की इस विधानसभा सीट पर मतदान होना है। मुरादाबाद की MP MLA कोर्ट से छजलेट मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को सजा होने के बाद विधायकी रद्द हुई थी। इसको लेकर आज चुनाव आयोग ने विधानसभा उपचुनाव की घोषणा की है। इसको लेकर सियासी पारा काफ़ी गर्म हो गया है। फिलहाल किसी राजनीतिक दल ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सीट होने के नाते से ये विधानसभा चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव तारीखों के ऐलान होने के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी ने रामपुर विधानसभा सीट के बाद स्वार विधानसभा सीट पर नजर गड़ा दी है। रामपुर में अब्दुल्ला के पिता आजम खान की सियासी जमीन खिसकाने वाले बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने रामपुर की तरह स्वार में भी कमल खिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, ये सीट अब्दुल्ला आजम खान के गलत प्रमाण पत्र लगाने की वजह से ये खाली हुई थी। जिस तरीके के उन्हें कार्य किए थे उसका फल उनको मिला और न्यायपालिका ने इनको दोषी साबित करते हुए सीट को रिक्त किया। चूंकि स्वार टांडा विधानसभा की जो सीट है वो पहले भी 6 बार भारतीय जनता पार्टी के पास रही है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। जैसे ही प्रत्याशी की घोषणा होगी औपचारिक तौर पर ये काम शुरू कर दिया जाएगा और वैसे हर तरीके से काम हमारा 12 महीने 24 घंटे काम हमारा चलता रहता है। वैसे अब्दुल्ला आजम शायद एकमात्र नेता हैं जिनकी विधायकी 3 साल के अंदर 2 बार निरस्त हुई हो। अब्दुल्ला आजम 2017 के विधानसभा चुनाव में स्वार सीट से चुनाव जीते थे। उनके निर्वाचन को उनके मुकाबले चुनाव लड़ने वाले बसपा के प्रत्याशी नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां ने हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर कर चुनौती दी थी। आरोप था कि चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते वक्त अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम थी, जिस पर हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर साल 2019 को उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया था। इसके बाद अब्दुल्ला ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को बहाल रखा था। वहीं 2022 में फिर अब्दुल्ला स्वार से लड़े और जीते भी, मगर इस बार भी उनकी विधायकी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। इस बार अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद की कोर्ट ने 13 फरवरी साल 2023 को 15 साल पुराने मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। 29 जनवरी 2008 को छजलैट पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था। इसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। इस हंगामे में अब्दुल्ला आजम समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में कोर्ट ने आजम खान के साथ अब्दुल्ला आजम को भी 2 साल की सजा सुना दी। इसके बाद विधानसभा सचिवालय की ओर से 15 फरवरी को अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द किए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया था। खैर, ये रही बात अब्दुल्ला आजम की किस्मत की, लेकिन स्वार विधानसभा उपचुनाव में सबसे ज्यादा चुनौती समाजवादी पार्टी के साथ साथ दिग्गज नेता आजम खान के लिए भी है, क्योंकि हाल ही में उपचुनाव में वो अपना गढ़ तो बचा नहीं पाए। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या बेटे अब्दुल्ला वाली सीट पर वो सपा की साइकिल दोबारा दौड़ा पाएंगे या फिर स्वार में भी बीजेपी रामपुर की तरह कमल खिलाने में कामयाब हो जाएगी।